राजगढ़ जिले के पचोर कस्बे में अतिक्रमण हटाने शिवालय रोड पर गए प्रशासनिक अमले पर पेट्रोल का छिड़काव करने वाले बीजेपी नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रशासनिक अमले में तहसीलदार राजेश सोरते भी मौजूद थे। पुलिस ने कोर्ट में आत्मसमर्पण करने जाने से पूर्व आरोपी भगवान सिंह राजपूत को पचोर नगर पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पवन मिश्रा की शिकायत पर विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया है, जिसे न्यायालय में पेश किया गया है। वहीं राजस्व अमले व नगर पंचायत के अमले ने संयुक्त अभियान चलाकर आज भगवान सिंह व उसके भाइयों के द्वारा किए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर आरोपी का तत्काल अतिक्रमण हटाया। ज्ञात हो कि जिले के सभी राजस्व व नगर पंचायत अमले ने आरोपी की त्वरित कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर हर्ष दीक्षित को ज्ञापन दिया था। कस्बा पचोर में मंडी रोड से लेकर पानिया रोड तक एक नवीन रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें भगवान सिंह के द्वारा उसके घर के सामने कुछ अतिक्रमण किया हुआ था और बाउंड्री वॉल बनाई हुई थी। जो अतिक्रमण को हटाने के कल तहसीलदार महोदय पचोर और सीएमओ नगरपालिका ये अपने शासकीय अमले के साथ अतिक्रमण हटाने गए थे। दोपहर 4 बजे करीब की बात है, तभी भगवान सिंह राजपूत और उसके दोनों भाइयों ने एक राय होकर शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाई, गंदी गंदी गालियाँ दी और जान से मारने की धमकी दी। और भगवान सिंह राजपूत ने एक बोतल पेट्रोल लाया था और तहसीलदार और अन्य शासकीय अमले पर इसने पेट्रोल छिड़क दिया था, जो सीएमओ की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। बाद में इसमें धारा 326 भी और 307 आईपीसी का इजाफा किया गया। आज मुख्य द्वारा सूचना मिली थी कि भगवान सिंह राजपूत सारंगपुर न्यायालय में सरेंडर करने वाला है, जो सूचना पर धर्मेंद्र शर्मा और स्टाफ को भेजा गया। मुखबिर की सूचना पर न्यायालय के सामने से आरोपी भगवान सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया गया, जिसे माननीय न्यायालय पेश किया गया। राजगढ़ से यूडी न्यूज के लिए विजय कुमार सोनी की रिपोर्ट।